हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूर्णिमा फ्रॉम सुभारति कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे TDS ऑन कमीशन की। कमीशन में हमें TDS ऑटो कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से TDS ऑटो कैलकुलेट होगा। लास्ट वीडियो में हमने TDS ऑन सैलरी जाना था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और आज हम जानेंगे TDS ऑन कमीशन के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे अभी हमने एक कंपनी क्रिएट की है और इसमें कोई भी वाउचर्स नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम TDS का फीचर्स इनेबल करेंगे। तो उसके लिए कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए शो मोर फीचर्स भी यस रखेंगे और शो ऑल फीचर्स दोनों को ही हमें यहाँ पे यस रखना है। और इसके बाद देखिए जो TDS का ऑप्शन है, हम इसे यस कर लेंगे। देखिए हमें यहाँ पे GST की कोई अभी नीड नहीं है तो इसे यहाँ पे नो कर देंगे। और इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, इसे यहाँ पे यस कर लेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे कंपनी TDS डिडक्टेड डिटेल हमें देनी है, तो सबसे पहले 10 का रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ पे दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या है, 10 नंबर देना है तो हम 10 नंबर दे देंगे। यहाँ पे डिडक्टर टाइप देना है कि जो डिडक्ट कर रहा है टाइप क्या है, तो यहाँ पे कंपनी ले लेंगे। और यहाँ पे डिडक्टर की जो ब्रांच है वो दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेट और अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल की जो टैक्स डिडक्ट कर रहा है उसकी यहाँ पे हमें डिटेल देनी है, तो इसे यहाँ पे यस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए नाम दे देंगे जो टैक्स को डिडक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया। यहाँ पे सन और डॉटर ऑफ देना है तो यहाँ पे हम दे देंगे। यहाँ पे डेजिग्नेशन देनी है कि किस पोस्ट पर वो है, तो यहाँ पे दे दिया अकाउंटेंट। यहाँ पे हमें पैन नंबर देना है तो हम यहाँ पे पैन नंबर दे देंगे। यहाँ पे देखिए फ्लैट नंबर पहले से आ रहा है क्योंकि जब हमने कंपनी क्रिएट की थी तो ये डिटेल्स हमने दी थी, तो यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए स्टेट यूपी आ गया है। पिन कोड यहाँ पे देना होगा तो दे दीजिए। मोबाइल नंबर यहाँ पे हम दे देते हैं। टेलीफोन नंबर अगर आपको देना है तो यहाँ दे दीजिए। मेल आईडी यहाँ पे देना है, हम अभी यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। एंटर करके हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। कंट्रोल ए करेंगे, इसे भी एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए हमने कंपनी क्रिएट कर ली है और TDS का फीचर्स इनेबल कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें नेचर ऑफ पेमेंट बनाना है, उसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे रहेंगे, क्रिएट पे आ जाएंगे। और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है TDS नेचर ऑफ पेमेंट। नेचर ऑफ पेमेंट से हमें पता चलता है कि किस टाइप की पेमेंट की जा रही है। अगर सैलरी पे है तो पेमेंट फॉर सैलरी देंगे, लेकिन अभी हम क्या कमीशन के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर दे देंगे पेमेंट फॉर कमीशन। अब यहाँ पे कमीशन का जो सेक्शन होता है वो दे देंगे, तो 194H है तो यहाँ पे 194H दे देंगे। यहाँ पे जो पेमेंट का कोड होगा वो दे दिया जाएगा। एंटर करेंगे। यहाँ पे विद पैन कितना परसेंट यहाँ पे TDS कटेगा, तो हमने दे दिया 5% है। अब थ्रेशोल्ड लिमिट है कि कितनी लिमिट पे TDS चार्ज होगा, तो 15,000 की लिमिट रखी गई है तो यहाँ पे हमने दे दिया 15,000 कि 15,000 अगर सैलरी है तो कोई TDS नहीं कटेगा, लेकिन जैसे ही 15,000 की अमाउंट क्रॉस होगा वैसे ही TDS कट जाएगा। तो यहाँ पर एंटर करके इसको हमने एक्सेप्ट करा लिया, स्केप करके बैक आ जाएंगे। तो देखिए हमने नेचर ऑफ पेमेंट बना लिया है। अब क्या है, हमें लेज़र क्रिएट करने हैं, तो क्रिएट पे आएंगे और यहाँ पे हमें लेज़र का ऑप्शन मिलेगा, हम लेज़र क्रिएट करेंगे। तो जिस एम्प्लॉय को हम कमीशन देंगे सबसे पहले उसका लेज़र बना लेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने दे दिया अमित, अब ये अंडर में क्या आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएंगे क्योंकि ये हमारे लेनदार होंगे। अब देखिए मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल है, इसे यस रखेंगे। इस TDS डिडक्टेबल, इसे हम यहाँ पे कर देंगे यस। डिडक्टिव टाइप हमारा क्या है कि जिसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है वो कौन है, यहाँ पे रेजिडेंट है तो यहाँ पे रेजिडेंट ले लेंगे। डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर, इसे भी यहाँ पे यस कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जिसका टैक्स डिडक्ट होगा उसका यहाँ पे पैन नंबर आपको ज़रूर देना है, तो यहाँ पे पैन नंबर हमें देना है, पैन नंबर दे देंगे। एंटर करके हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए जो हमारा एम्प्लॉय है हमने उसका लेज़र बना लिया है। अब कमीशन हम दे रहे हैं तो कमीशन का लेज़र बना लेंगे। हमने कमीशन का बनाया है, कमीशन हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसको अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रख लेंगे। और यहाँ पे इस TDS एप्लीकेबल, तो यहाँ पे TDS हमें एप्लीकेबल रखना है, एप्लीकेबल ले लिया है। और ये नेचर ऑफ पेमेंट हमारा क्या है, पेमेंट फॉर कमीशन, तो हमने पेमेंट फॉर कमीशन ले लिया। एंटर करेंगे, इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब थर्ड हमारा लेज़र किसका बनेगा, अब यहाँ पे TDS ऑन कमीशन का हमारा एक लेज़र बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया TDS ऑन कमीशन। अब ये हमारा क्या है, अंडर चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। यहाँ पे ले लेंगे TDS। नेचर ऑफ पेमेंट में हम क्या ले लेंगे, पेमेंट फॉर कमीशन। एंटर करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। एस्केप की प्रेस करेंगे, बैक आ जाएंगे। तो देखिए हमने नेचर ऑफ पेमेंट भी बना लिया है और जितने इंपॉर्टेंट लेज़र थे वो भी हमने क्रिएट कर लिए। अब सिंपल जाके हम वाउचर्स में एंट्री पोस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बिल जनरेट करने के लिए एंट्री करेंगे, उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, जनरल वाउचर F7 में। तो यहाँ पे देखिए जनरल वाउचर हमारा इनेबल हो गया है।
तो देखिए हम कमीशन दे रहे हैं, तो सबसे पहले कमीशन लेंगे, जितने भी लेज़र हमारे ज़रूरत के हैं वो सारे हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, तो कमीशन ले लेंगे। आप कमीशन को डेबिट करेंगे, कितना कमीशन दे रहे हैं, 15,000 से ऊपर की अमाउंट रखनी है जिसमें TDS कटे, क्योंकि 15 से कम अगर अमाउंट लेंगे तो TDS यहाँ पे नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हमने 16,000 की अमाउंट ले ली है, एंटर करेंगे। अब देखिए हम किसको यहाँ पे पेमेंट करें, अमित को पेमेंट करें, तो अमित को हम क्रेडिट करेंगे। अमित को देखिए 15,200 की अमाउंट मिल रही है, लेकिन कमीशन एक्चुअल में हम कितना देना है, 16,000, तो 800 जो कम हुई वो क्या है, TDS कट गया है। तो देखिए TDS हमारा ऑटो कैलकुलेट हो गया है, हम एंटर करेंगे। ये न्यू रेफरेंस यहाँ पे ले लेंगे तो 16,000 की अमाउंट आ गई, फिर से न्यू रेफरेंस लेंगे तो जो 800 है वो देखिए अमाउंट हमारी आ गई, एंटर करेंगे। अब हम क्रेडिट क्या करेंगे, अब जो हमारी 800 की अमाउंट है वो क्रेडिट जाएगी किस में, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हमने रखा था, तो क्या रखा था, TDS ऑन कमीशन, तो एंटर करेंगे। यहाँ पे TDS ऑन कमीशन का लेज़र ले लेंगे तो 800 की अमाउंट हमारी ये आ गई। तो अब देखिए ये 16,000 डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल हो गई है, एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब देखिए जनरल वाउचर में बिल जनरेट करने के लिए तो एंट्री कर ली, लेकिन जो एक्चुअल में उसको अपने एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट की एंट्री अब हम कर लेंगे पेमेंट वाउचर में। यहाँ पे पेमेंट वाउचर हमने ले लिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे, किस डेट को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम F2 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो यहाँ पे 1 मई की हमने एंट्री कर ली है। किसको पेमेंट कर रहे हैं, अनुभव, सॉरी, अब देखिए किसको पेमेंट कर रहे हैं, अमित को पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अमित ले लिया। अमित को कितनी अमाउंट मिल रही है, देखिए यहाँ पे पहले शो कर रहा है 15,200, तो यहाँ पे 15,200 की अमाउंट हमने कर दी है। अगेंस्ट डिफरेंस यहाँ पे ले लेंगे, 15,200 की अमाउंट आ गई, एंटर करेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे, अगर कैश दे रहे हैं तो कैश क्रेडिट होगा, बैंक से करें तो बैंक क्रेडिट होगा, लेकिन हम यहाँ पे कैश पेमेंट कर रहे हैं तो हमने कैश ले लिया, तो 15,200 हमने कैश दे दिया, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। एस्केप की प्रेस करेंगे, यहाँ पे बैक आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट पे हम आएंगे तो यहाँ पे हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हमें दिख जाएंगी, कितने की लाइबिलिटी है, 800 की, एंटर करेंगे। ये हमारा क्या है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आ रहा, देखिए एस्केप की प्रेस करेंगे, बैक आ जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आ जाएंगे, और यहाँ पे देखिए क्या, TDS रिपोर्ट्स पे जब हम जाएंगे और यहाँ पे फॉर्म 26Q पे आएंगे तो आपकी टैक्स डिडक्टेबल की जो अमाउंट है 800 यहाँ पे शो कर रहा है, टोटल कितना था, 16,000 की हमारी अमाउंट थी। आप चाहें तो टैक्स की अमाउंट यहीं से पे कर सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, स्टेट पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, और टैक्स टाइप हमारा क्या है, TDS है। पीरियड फ्रॉम कब से कब तक रहेगा, तो यहाँ पे देखिए हमने 1 मई की एंट्री की थी तो यहाँ पे 1 मई ले लेंगे, और यहाँ पे 31 ले लेंगे मई। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन हमें देना है, तो हमने कमीशन का सेक्शन क्या रखा था, 194H रखा था, पेमेंट फॉर कमीशन नेचर ऑफ पेमेंट में आ जाएगा, और यहाँ पे डिडक्टिव स्टेटस की, जिसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है उसका स्टेटस क्या है, तो ये नॉन कंपनी है, हमने नॉन कंपनी ले लिया है, और यहाँ पे कैश और बैंक में कैश ले लेंगे। तो देखिए हम पेमेंट करें, अगर आप चाहें तो इसका चालान भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो कीबोर्ड से ऑल्ट पी प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे हमें प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू देख लेंगे, और यहाँ पे देखिए जूम पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा चालान बन के आ रहा है TDS टैक्स चालान, तो यहाँ पे देखिए TDS टैक्स चालान का प्रिंट आउट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, पूरी अमाउंट आपको देखने को मिल रही 800 ओनली है, और यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स है वो सारी आपको शो कर देगा, तो ये प्रिंट आउट भी आप यहाँ पे टैक्स चालान का निकाल सकते हैं। एस्केप की प्रेस करेंगे, बैक आ जाएंगे, और यहाँ पे एंटर करके ये वाली एंट्री को हम एक्सेप्ट करा लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने टैक्स के अमाउंट को पेमेंट कर दिया है। अब बैलेंस शीट पे आएंगे तो करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पे हमारी कुछ भी शो नहीं करेगा। तो देखिए इस तरीके से हम TDS ऑन कमीशन कैलकुलेट करेंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा, और लास्ट वीडियो में TDS ऑन सैलरी ऑलरेडी हम जान चुके हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।